कहाँ थे बेटा? मैं तुम्हारे कमरे में गई हूँ, आवाजें भी दी, दरवाजा भी नॉक किया, तुमने खोला ही नहीं दरवाजा। अच्छा मेरे कमरे का दरवाजा, अभी तो कोई आवाज नहीं है। सर, चल के मारिया को देखो, उसको इतना तेज बुखार हो रहा है। रात के किसी पहर वो किचन में चली गई, उसने क्या देखा है वहां पर? मैं गई तो मुझे देख के चिल्ला के वो बेहोश हो गई। आओ ना बेटा, उसको देख लो जरा, आ जाओ। भाई लोग फोन क्यों नहीं रिसीव करते? भाई खालिद, कब से फोन कर रहा हूं हमीदा को, फोन ही नहीं रिसीव कर रही। भाजी आप बिला वजह खाला को फोन करके परेशान कर रहे हैं। मामूली सा बुखार है, दवा दूंगा ठीक हो जाएगी। अरे बेटा ये मामूली बुखार नहीं है, तुम देखो तो सही कितना तेज बुखार चढ़ा हुआ है बच्ची को। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने खुद आपसे बात की थी। आप किचन में मसाले पीस रही थी, बोले ना आंटी, आप थी ना वहाँ पे। अरे बेटा क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग सही है? मैं आधी रात को भला क्यों मसाले पीसने लगी? सब क्या हो रहा है भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। मैं नहीं मान सकती, मुझे अच्छी तरह याद है आपने मुझे मसाले पीसने के लिए कहा था, उसके बाद आप अलमारी से मसाले निकालने के लिए गई थी। मैं मारिया, मारिया मारिया, रिलैक्स, सब ठीक, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। मेरी आंखों में देखो, देखो, मैंने खुद आंटी की, मेरी आंखों में देखो, रिलैक्स रिलैक्स, मगर मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। हाँ मेडिसिन मेडिसिन ले लो, मेडिसिन। अच्छा चलो उसे मेडिसिन खा के आराम कर दे, आ जाओ आ जाओ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ठीक हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बस डर गई थी। डरने से बुखार चढ़ जाता है क्या? हाँ नहीं नहीं फिर भी कोई बात नहीं, तुम कुछ ही लेट से टेस्ट करो, टेस्ट करो। पता नहीं सब लोग मान ही नहीं रहे, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी। मैं मान लू, मैं मान लू, लेट से लेट से, शाबाश, गुड गुड। पता नहीं कोई मान ही नहीं रहा, मैंने खुद देखा था रशीदा आंटी को, वही तो थी, मसाले निकाले मुझे दिए, फिर कहा और लेकर आती हूँ। दिलनवाज ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो सिर्फ अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ, क्या हुआ साहब? मारिया कैसे बेहोश हुई? तुमने डराया ना, तुमने खौफ ज्यादा किया उसे, है ना? ओह मुझे लगा शायद आप कोरमा बनाने पर गुस्सा हो रहे। कोरमा? कोरमा तुमने बनाया, अम्मा ने नहीं बनाया? मैंने बनाया है, अम्मी ने तो सिर्फ फिर से गोश्त निकाल के दिया था, जब तक वो आपको रुखसत करके आए तब तक मैंने कोरमा तैयार कर लिया था। दिलनवाज तुम ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? अम्मा यकीनन डर गई होंगी, उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन आई एम श्योर खौफ ज्यादा हो गई होंगी। मैं सब अच्छा कर रही हूँ, आप फिक्र ना करें साहब। नहीं तुम नहीं समझ रहे, तमाम इंसानों को नहीं जानती, हम लोग बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बहुत बुजदिल भी होते हैं। तुम ये सब कुछ करके अम्मा को मजीद खौफ ज़दा कर रही हो, और जब मैं उन्हें तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बताऊंगा तो वो सिर्फ खौफ ज़दा होंगी और कुछ भी नहीं। आप फिक्र ना करें, मैं इंसानों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, कई साल उन्हीं के दरमियान जिंदगी गुजारी हुई। शायद आप अपने दिलनवाज को नहीं जानते कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। नहीं कैसे कह सकती हो? मारिया को इस घर से निकालना बहुत जरूरी है साहब, आप फिक्र ना करें, उसका बंदोबस्त मैं करूंगी, बस सिर्फ सही वक्त का इंतजार है और वो वक्त दूर है। आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही ना साहिब? Thank you.
वाह हजरत बीबी, दिल नवाज की खिदमत गुजारी का अच्छा सिला दिया आपने। आपके हर हुक्म पर सर झुकाया, आपका हर काम अपना समझ कर किया और उसके बदले कभी कुछ नहीं मांगा। आप जानते हो कि दिलनवाज फवाद के लिए क्या है। इस सारे वक्त में एक ही तो ख्वाहिश की थी दिलनवाज ने, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि दिलनवाज फवाद से मोहब्बत करती है, वही अब उसके जीने का मकसद है और आप उसके मकसद को छीन लेना चाहती हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। फवाद मेरा है और मेरा ही रहेगा। हुआ? दिल का सुकून ढूंढने आई है ना? तेरी वजह से कोई बर्बाद हो रहा है, तुझे दिल का सुकून नहीं मिलेगा। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। तेरी ही वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप प्लीज मेरी मदद करें। बचा ले उसको, बचा ले उसको उसके शर से। सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी उसने तेरे आशिक की। नीस तो नाबूद कर देगी वो उसे, ना जिंदों में रहेगा ना मुर्दों में। चली जा, चली जा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। अभी भी जा यहाँ से, जा यहाँ से।